अगर आपके बच्चे ज्यादा टॉफियां खाते हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसी टॉफियां बेची जा रही हैं जो आपके बच्चों को नशे का आदि बना सकती हैं। कुछ ऐसा ही हमीरपुर शहर में आयुर्वेदिक टॉफी के नाम पर बच्चों को नशे का आदि बनाया जा रहा है। टॉफी के शौकीन बने बच्चे इसे काल्पनिक नाम से मांगते हैं। टॉफी को एक अलग ही नाम दिया गया है, ये नाम इसका कोडवर्ड है। कोडवर्ड बताकर संबंधित दुकानदार से टॉफी की डिमांड की जाती है। ऐसा सनसनीखेज मामला हमीरपुर शहर में सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ड्रग इंस्पेक्टर आयुर्वेदिक अधिकारी ने संबंधित दुकान पर दबिश की। दुकान में टॉफी के 4 सैंपल भरे गए। इस सैंपल को निरीक्षण के लिए लैब में भेजा गया है। फिलहाल इस तरह का वायका सामने आने के बाद अभिभावक अब चिंता में पड़ गए हैं, कहीं आयुर्वेदिक टॉफी के नाम पर बच्चों को नशा तो नहीं बेचा जा रहा। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी। जानकारी के अनुसार हमीरपुर के निजी स्कूल में पढ़ रहे एक बच्चे की तबीयत अचानक टॉफी खाने के बाद खराब हो गई। स्कूल में तबीयत बिगड़ने की सूचना बच्चे के अभिभावकों को दी गई। सूचना मिलते ही छात्र के पिता स्कूल में पहुंच गए। इस दौरान बच्चे की तबीयत खराब थी। कुछ देर बाद बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार आया। पिता ने बच्चे से पूछा कि तुमने क्या खाया है, तब बच्चे ने टॉफी खाने की बात कही। जब संबंधित दुकान पर जाकर टॉफी को चेक किया गया तो उसमें नशीला पदार्थ मिला। इसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस विभाग ड्रग इंस्पेक्टर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी को सूचित किया गया। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि मामले की शिकायत मिलने पर पूरी पड़ताल दुकान में ही की है और इस दौरान टॉफी के 4 सैंपल आयुर्वेदिक विभाग द्वारा लिए गए हैं। इन्हें निरीक्षण के लिए अब लैब में भेजा जाएगा। निरीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि क्या सच में यह टॉफी नशीली थी या नहीं।